6 जून को सुनहरे दौर के लोकप्रिय अभिनेता सुनील दत्त का बर्थडे होता है। उनकी एक फिल्म थी जानी दुश्मन, उसमें एक कमाल का डायलॉग था। वो डायलॉग कहता है, मर्द तैयारी नहीं करते, हमेशा तैयार रहते हैं। उनका ये संवाद, ये डायलॉग उन पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। एक बस कंडक्टर से लेकर एक एक्टर बनना और फिर सामाजिक कार्यकर्ता से भारत सरकार में मंत्री तक का सफर तय करने वाले सुनील दत्त की जीवन यात्रा एक मिसाल है। आइए जानते हैं सुनील दत्त साहब के जीवन की कुछ दिलचस्प बातें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। सुनील दत्त साहब का जन्म 6 जून 1929 को अविभाजित भारत के झेलम जिले में बसे हुए खुर्द नाम के एक गाँव में हुआ था। ये क्षेत्र अब पाकिस्तान में है। बहरहाल, उनका मूल नाम बलराज दत्त था। उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बहुत ही करीब से हिंदू मुस्लिम दंगों को देखा है और उनके भुक्त भोगी भी रहे हैं। बंटवारे के बाद सुनील का परिवार पहले यमुनानगर यानी पंजाब, जो कि अब हरियाणा में है, और बाद में लखनऊ आ बसा। सुनील दत्त का बचपन काफी संघर्ष भरा रहा, क्योंकि जब वो महज 5 साल के थे तब उनके पिता दीवान रघुनाथ दत्त का निधन हो गया था। उनकी मां कुलवंती देवी ने उनकी परवरिश की। लखनऊ के बाद सुनील दत्त साहब हायर एजुकेशन के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। चूंकि उनकी माली हालत ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुंबई बेस्ट की बसों में कंडक्टर की नौकरी की। वहां से शुरू हुआ सुनील का वो सफर जो जिस मुकाम तक पहुंचा वो काफी प्रेरणादायक है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनील दत्त की नौकरी एक एड एजेंसी में लगी, जहां से उन्होंने रेडियो सिलोन में रेडियो जॉकी बनने का रास्ता पकड़ा, जिसे उस वक्त उद्घोषक कहा जाता था। उद्घोषक के रूप में काम करते हुए वो काफी मशहूर भी हुए। एक सफल उद्घोषक के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद सुनील कुछ नया करना चाहते थे, और कहते हैं ना कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, तो उन्हें भी जल्द ही 1955 में बनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में ब्रेक मिल गया। ये उनकी पहली फिल्म थी, जिसके 2 साल के बाद 1957 में आई मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। अपने 40 साल लंबे करियर में दत्त साहब ने 20 से ज्यादा फिल्मों में विलन का किरदार निभाया। उस रोल में भी वो खूब जचते थे। डकैतों के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो, इस फिल्म ने उन्हें साल 1964 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिलवाया। साल 1966 में उन्हें फिर से खानदान फिल्म के जरिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1950 के आखिरी वर्षों से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत की कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, गुमराह, वक्त, खानदान, पड़ोसन और हमराज जैसी खास फिल्में शामिल है। पर अब जरा आपको बताते हैं सुनील दत्त की जीवन संगिनी के बारे में। दरअसल सुनील दत्त की शादी से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। साल 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी, तभी वहां अचानक आग लग गई। नरगिस इस आग में घिर गई। तभी सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नरगिस को बचा लिया। इस घटना के बाद इलाज के दौरान सुनील ने पूरे मन से नरगिस का ख्याल रखा और दोनों एक दूसरे के प्रति खिंचे चले गए। और एक दिन सुनील दत्त ने कार चलाते हुए नरगिस को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। नरगिस ने भी मुस्कुराते हुए सुनील दत्त का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। एक सफल अभिनेता और निर्देशक की पारी खेलने के बाद सुनील दत्त ने 1984 में राजनीति ज्वाइन की। वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने। वो यहां से लगातार 5 बार चुने गए। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त यहां की सांसद बनी। जब उनकी मौत हुई तब वो भारत सरकार में खेल व युवा मामले का मंत्रालय संभाल रहे थे। सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए भी सुनील दत्त हमेशा आगे रहे हैं। 1987 में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के तहत जबरदस्त हिंसक आंदोलन चल रहा था। तब सुनील दत्त ने महात्मा गांधी के तर्ज पर पदयात्रा करने की सोची और पंजाब में शांति बहाल हो इस उद्देश्य से मुंबई से अमृतसर तकरीबन 2000 किलोमीटर के लिए महाशांति पदयात्रा पर निकले। उनके साथ उनकी बेटी प्रिया दत्त समेत 80 और भी लोग शामिल थे। उन्होंने यह पूरा सफर पैदल चलकर पूरा किया। परिणाम स्वरूप पंजाब में स्थिति सामान्य हो गई। सुनील दत्त अपने बच्चों से काफी प्रेम करते थे। जब उनके बेटे संजय दत्त को ड्रग्स की लत लगी तो उन्होंने संजय की इस नशे की लत को छुड़वाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। वो संजय को इलाज के लिए अमेरिका में एक नशा उन्मूलन केंद्र ले गए, जहां लंबे इलाज के बाद संजय दत्त ने ड्रग्स को अलविदा कहा। आज संजय दत्त जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुनील दत्त की बदौलत है। फिल्मी जगत में सुनील दत्त के योगदान के लिए, उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए, उनकी फिल्मों के लिए हमारा सुनील दत्त को सलाम। इस वीडियो में इतना ही।